की चपेट में आने से 5 गोवंश की मौत, ग्रामीणों में रोष। जहां राजगढ़ हिसार हाईवे 52 पर गांव लुटाना के बस स्टैंड के पास शुक्रवार रात करंट की चपेट में आने से 5 गोवंश की मौत हो गई है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आक्रोश व्यक्त किया है। गोवंश की मौत होने की सूचना मिलने पर ASI राजीव रॉयल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि लुटाना पूर्ण बस स्टैंड के पास खंभे से तार झूल रहा था, जिसकी सूचना कई बार बिजली विभाग को दे दी गई थी। निगम ने इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। शुक्र रात को किसी समय वहां से जा रहे 5 गोवंश की तार की चपेट में आने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस व बिजली निगम को दी। बाद में बिजली निगम ने तार को ठीक करवाया। कहां की घटना और किस समस्या को लेकर ग्रामीणों? ये लुटाना पूर्ण बस स्टैंड से के समीप की घटना है। यहाँ पे कल शाम को बिजली बोर्ड का तार टूट गया था, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने बिजली विभाग में भी संबंधित बिजली विभाग में भी दी थी। आज सुबह तो हमने देखा तो 5 गायों की मृत्यु हो गई थी। सुबह 7 बजे के लगभग ग्रामीणों ने देखा, तो उसके बाद में बिजली विभाग को सूचना दी। बिजली विभाग ने वो आ करके सुबह 8-9 बजे किसी कर्मचारी को भेजा और उसने इस तार को ठीक किया। उससे पहले कल से कोई अधिकारी, संबंधित अधिकारी नहीं आया। पूरी रात्रि इसमें करंट प्रवाह चल रहा था। कितने गोवंश की मौत हो गई इसमें? 5 गोवंश की मौत हो गई है इसमें 3 तो बछड़ा है और 2 बछड़ियां हैं। वहीं ऐसी ही घटना आज गांव लसेड़ी में भी देखने को मिली। एक ट्रांसफार्मर के चिपक जाने से आज एक बैल की मृत्यु हो गई। पता नहीं इस तरह के कितने खंभे और कितने ट्रांसफार्मर इस राजगढ़ तहसील के अंदर गांव में होंगे जो जर्जर हालात में है। विद्युत विभाग का उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। ऐसी ही घटना कुछ दिन पहले चैनपुरा बड़ा में भी हुई थी। हमने उसकी आवाज उठाई थी और विद्युत विभाग को इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए पूरे तहसील में अपने खंभों की है वो तुरंत जांच करनी चाहिए और ट्रांसफार्मर जहां जहां वे लगे हैं उनके वायर स्पॉट वायर जो है खंभों के उनकी भी जांच होनी चाहिए कि करंट नहीं है, क्योंकि बरसात का मौसम है और बच्चे आसपास के क्षेत्र में खेलते रहते हैं। हो सकता है कल को कोई इंसान भी इसकी चपेट में आ सकता है। ये ध्यान में रखते हुए विद्युत विभाग को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और अपने जो भी उपकरण लगे हैं गाँव में उनको जाँच करनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो।